हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को टाइटल देख के पता चली गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज मैं करने जा रही हूँ एक अलग मेरे चैनल पे, वो है DIY, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना घर डेकोरेट वाला हो, अच्छा हो, सुंदर हो, कोई आता हो तो अट्रैक्टिव लगे। तो गाइस चिंता नहीं लेने का, चिंता अब देने का है। जब पड़ोसन आएगी ना, वाह तुम्हारा घर तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलने वाला अच्छा डेकोरेटिव आइटम बनाने में सिखाऊंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, लाल वाला बटन है नीचे, उसको दबाना है और घंटी को भी दबाना है, ताकि आप लोगों को मेरा अच्छा वीडियो कंटिन्यू देखने को मिले। तो गाइस आज का वीडियो में जंप करते हैं, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जो डेकोरेटिव आइटम बनाने जा रही हूँ वो आप अमेजोन में परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बट अमेजोन में ये 500-600 के आसपास है और मैंने ये अपने हाथ से बनाया है, वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव, सिर्फ 100 रुपीज़ में मैंने ये बनाया है। तो गाइस देखिए आज के वीडियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए ग्लास जार। ये किसी भी गिफ्ट शॉप में आपको 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल होता है। गिफ्ट शॉप में हो या स्टेशनरी में हो आपको इजीली अवेलेबल होगा। आपको बस एक ग्लास जार खरीदना है और आपको ऐसा आर्टिफिशियल प्लांट खरीदना है। ये 20 रुपीज़ का आई थिंक 100 पीस मिल जाते हैं। तो आप लोगों को 20 रुपीज़ का ये गिफ्ट शॉप में या स्टेशनरी में जाके ख़रीदना है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो कर रहा है वो प्रोजेक्ट के लिए ऐसा प्लांट खरीदता है तो वहाँ पे मिल जाता है, स्टेशनरी में भी मिल जाता है, अच्छे से अवेलेबल होता है, इसीलिए आप लोगों को मिल जाएगा पास के गिफ्ट शॉप और स्टेशनरी में। और बच्चे के टाइम तो आपने कंचे खेले ही होंगे, है ना। तो हम आज एक कंचे को क्या करेंगे, डेकोरेटिव करने के लिए यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, सारा देखना है। और हमें चाहिए 4-5 कंचे, ये नेपाली में गुच्चा बोलते हैं। तो हमें चाहिए दूसरा एनिमल, छोटा एनिमल। ये 15 रुपीज़ का पैकेट मिलता है। 15 रुपीज़ में आई थिंक 10 पीस ऐसे मिल जाता है। तो आप लोगों को जो भी एनिमल पसंद हो तो आप लोगों को उठाना है। मैंने यहाँ पे 4 एनिमल उठा लिया है। तो आप लोगों को कौन सा एनिमल पसंद है, कौन सा रखना चाहते हो वो उठा लीजिए। और हमें चाहिए लास्ट नॉट द लीस्ट रॉक, कलरफुल रॉक। ये 70 रुपीज़ केजी मिल जाता है और हमें इतना ज़्यादा तो चाहिए नहीं। तो आप जितना 70 रुपीज़ का खरीद के बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, तो खरीद लीजिए। इसका दुख नहीं होगा खरीदने के बाद, क्योंकि इससे बहुत सारे डेकोरेट कर सकते हो आप अपने घर को, गार्डन को, सब कुछ। तो आप लोगों को लेना है कलरफुल रॉक। तो गाइस देर किस बात की, अब बनाते हैं हम डेकोरेटिव आइटम। और हमें चाहिए थोड़ा पानी, ये पानी हमें लास्ट में डालना है। सबसे पहले आपको लेना है ग्लास जार, और ग्लास जार में आपको डालना है कलरफुल रॉक। ध्यान से डालिए ताकि ये टूटे ना, ऊपर ही दिखा रही हो। लेवल मिलाते रहिए। और गाइस मैंने भर दिया है यहाँ पे रॉक, और मैं डालूंगी ये ब्लैक वाला रॉक, तो बड़ा है। और इसमें मैं रखूंगी कंचे को हमें साइड में रखना है ऐसे, ताकि इसको देखे। ऐसे करके जगह पे रखना है। तो देखिए गाइस मैंने कंचे को रख दिया है आराम से, ताकि रखते टाइम बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सारा एनिमल को उठाना है, उठा के रॉक के बीच में इसको रख देना है। देखो जंगल जैसे लग रहा है, शेर है शेर। गाइस देखें, ऐसे आपको ये एनिमल्स को प्लेस कर देना है, रख देना है। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। दूसरा रख देना है, देखिए मैंने दूसरा रख दिया है। अब रखूंगी मैं और दूसरा। तो देखिए गाइस मैंने एनिमल को रख दिया है। ऐसे पीछे जाइए। एनिमल को रखने के बाद ऐसा लग रहा है जंगल है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्लांट को उठाना है और यहाँ पे लगा देना है बस। ऐसे आपको प्लांट को लगा देना है। तो गाइस देखिए मैंने जानवरों को भी अंदर किया है, तो मैंने प्लांट भी लगा दिया। लग रहा है ना बहुत अच्छा मास्टरपीस। तो हमें क्या करना है, इसको अब रखना है धीरे से और हमें डालना है वाटर। तो देखिए गाइस मैं डाल रही हूँ आप लोगों का आगे। देखिए गाइस अब डाल रही हूँ मैं वाटर, धीरे धीरे डाला है आप लोगों को। गाइस आपका मास्टरपीस रेडी हो चुका है। आप इसको सेंटर टेबल में रख सकते हैं, टीवी टेबल में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख के अपना घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बन गया ना 100 रुपीज में इतना अच्छा मास्टरपीस। बहुत सारा बनाया है ताकि मेरा कलरफुल लगे। तो मैंने बॉर्डर में भी बना दिया है। ये मेरे दोस्त हमजो ने लिया था जब वो त्रिपुरा से आ रही थी हॉस्टल, तो मेरे लिए लेके आई थी। और मुझे इसमें पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये इतना क्यूट है, क्यूट 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 है, उसकी तरह क्यूट है। तो फिर मैंने सोचा कि ये लाइफ टाइम रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया, इसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए मैंने यूज किया ताकि ये मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए रहे। थैंक यू सो मच हमजो। इतना क्यूट बोतल है, मैंने इसको भी डेकोरेट कर दिया है। मैंने इसका प्लांट उल्टा लगाया है ताकि अच्छा दिखे। और आप ऐसे ग्लास जो जाम खाते हो या सेजवान चटनी खाते हो, तो उसका जार का मैंने फिर से रीयूज किया है। इसमें क्या किया है, थोड़ा कलरफुल रॉक रख दिया है नीचे, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर रख दिया है, और ऊपर से मनी प्लांट है, नेचुरल मनी प्लांट है। और ये येलो हो चुका है, पता नहीं क्यों हो गया। नेचुरल मनी प्लांट है जो मैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए यूज करती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अच्छा DIY लेके मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।